वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स, आज हम आपको शेरवानी से बचे हुए पीसेस से खूबसूरत सा पर्स बनाना सिखाएंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास नेट का डबल पीस है, इसकी लंबाई 11 इंच और चौड़ाई 12 इंच है। और ये हमारे पास आर्म होल से बचे हुए पीसेस हैं जिनको हमने सेंटर से जॉइंट किया है। तो अब हम इस पीस को इन दोनों पीसेस के सेंटर में यहाँ पर इस तरह से जॉइंट करेंगे, इस तरह से। व्यूअर्स, हमने सेंटर के पीस को इस बड़े पीस के साथ अटैच कर लिया है। तो अब हम बड़े वाले दूसरे पीस को इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। और यहाँ पे साइड पे सेट करने के लिए हमने ट्रायंगल शेप में साइड पैनल को कट किया है। तो इस साइड पैनल को हम यहाँ पे इस तरह से सेट करेंगे दोनों साइड में। और दोनों साइड में हम यहाँ थोड़ी सी स्टिचिंग करेंगे और यहाँ पर हम जिप लगाएंगे। और जिप लगाने के बाद हम बाकी स्टिचिंग अंदर की तरफ से बाद में करेंगे। व्यूज, इसी तरह से हमने लाइनिंग के लिए जो पीस लिया है, ये डबल है। इसकी एक साइड पे हमने फ्यूजिंग को अटैच किया है और दूसरी साइड को हम इस तरह से इसके ऊपर सेट करेंगे। और इसी तरह से हमने जो साइड पैनल लिए हैं, इनकी भी एक साइड पे हमने फ्यूजिंग को चिपकाया है और दूसरी साइड को हम इस तरह से इसके ऊपर सेट करेंगे। और जो नीचे का पीस है, ये भी डबल है, इसको भी हम इस तरह से चारों तरफ से जॉइन करेंगे और यहाँ पर इसको इस पीस के साथ सेट करेंगे और उसके बाद नेट के साथ अटैच करेंगे। व्यूज़, अब हम ऊपर के दोनों पार्ट से यहाँ पे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा नेट को कट कर देंगे और यहाँ पे दोनों साइड्स पैनल को यहाँ पे 2 इंच तक अटैच करेंगे। व्यूज़, अब हम इस साइड पैनल को यहाँ पे इस बड़े पीस के साथ यहाँ तक अटैच करेंगे और ऊपर जिप लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे इसको इस तरह से कॉर्नर की शेप देते हुए इस तरह से यहाँ पे अटैच करेंगे।
व्यूज़ अब हम लाइनिंग के साथ भी इसी तरह से साइड पैनल अटैच करेंगे। व्यूज़ हमने लाइनिंग के दोनों पार्ट्स के साथ भी साइड पैनल अटैच कर लिए हैं। अब हम इसको यहाँ पे अंदर की तरफ सेट करते हुए यहाँ पे ऊपर जिप अटैच करेंगे। व्यूज़ अब हम लाइनिंग को सीधी साइड पे टर्न करेंगे। और इस तरह से इसकी सीधी साइड को नेट के बैग में इस तरह से अंदर की तरफ सेट करेंगे। व्यूज़ लाइनिंग और नेट को दोनों को हमने नीचे की साइड से ओपन रखा है। अब हम दोनों को इस तरह से अंदर की तरफ सेट करेंगे। और यहाँ पे हम दोनों की साइड को साइड से मिलाते हुए सेट करेंगे। व्यूज़ लाइनिंग और नेट दोनों के सेंटर को सेट करते हुए हमने यहाँ पे कट लगा लिया है। अब हम यहाँ पे जिप को अटैच करेंगे। तो जिप को हम लाइनिंग और नेट दोनों के दरमियान में रखेंगे इस तरह से, और दरमियान में सेट करते हुए हम यहाँ पे इसको अंदर की तरफ पिन अप करेंगे। इस तरह से हम अंदर की साइड से इसको जिप को दरमियान में रखते हुए हम यहाँ पे पिन अप करेंगे। व्यूज़ हमने जिप को सेंटर में सेट कर लिया है, तो अब हम इसको स्टिच करेंगे।
व्यूज़ ये हमने ज़िप को एक साइड से अटैच कर लिया है, इसी तरह से अब हम दूसरी साइड को भी ज़िप के साथ अटैच करेंगे। व्यूज़ हमारी ज़िप अटैच हो चुकी है, तो अब हम यहाँ कॉर्नर पे इसको अंदर की साइड से यहाँ पे अंदर की साइड से इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। अब हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और यहाँ पे हम सेंटर सेट करते हुए ज़िप को अटैच करेंगे। व्यूज़ हमने ज़िप को साइड से अटैच कर लिया है, अब हम यहाँ लाइनिंग के साइड पैनल्स की सिलाई को मुकम्मल करेंगे और सेंटर के पीस को अटैच करेंगे।
व्यूज अब हम यहाँ नीचे की साइड में सेंटर के पीस को अटैच करेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं हमने सेंटर के पार्ट को एक साइड से ओपन रखा है, बाकी हमने थ्री साइड से इसको स्टिच कर लिया है। अब हम अंदर की तरफ इसको टर्न करेंगे और इस साइड को हम अंदर की साइड से जिप खोलने के बाद अंदर की साइड से स्टिच करेंगे। व्यूज़ अब हम सबसे पहले अंदर की साइड से नेट की सिलाई को इस तरह मुकम्मल करेंगे, उसके बाद लाइनिंग को स्टिच करेंगे।
व्यूज अब ये हमारा बैग रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ साइड्स में रिंग लगाएंगे और चेन अटैच करेंगे। व्यूज अब हम इस रिंग को यहाँ कॉर्नर पे सेट करेंगे। व्यूज अब हम इन रिंग्स में चेन को सेट करेंगे। व्यूज हमने चेन को बैग के साथ अटैच कर लिया है और यहाँ हमने बैग की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मोतियों वाली लेस अटैच की थी और अंदर हमने रफ कागज़ डाले हैं ताकि इसकी शेप वाजिया हो सके। तो अब ये हमारा बैग मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये बैग पसंद आएगा। तो देखते रहिए ग्लैमरस डाइनिंग वीडियोस। तो अपनी अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।